क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय बच्चों, आज की तारीख में कितने बार आपने इन शब्दों को सुना है? संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रॉफिट मेकिंग, ये सब कैसे होती हैं? आज हम आपके लिए ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। संगठन क्या है और प्रबंधन क्या है? संगठन वेरी सिंपल, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ काम करके एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। संगठन कई प्रकार के होते हैं और जो सबसे कॉमन है वो है विनिर्माण संगठन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे देखो, यहाँ गाड़ियाँ बन रही हैं, अब इसको देखो यहाँ कपड़े बन रहे हैं, और इसको देखो केक या बिस्किट बन रहे हैं। तो हर किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसके अंडर आती है। तो क्या विनिर्माण का मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? नहीं, जहाँ भी उत्पादन होता है वही विनिर्माण संगठन है। जैसे इसको देखो, ये कृषक हैं, ये एक साथ मिलकर देख रहे हैं कि हम अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाएं। इस पिक्चर को देखो, जब मानसून का टाइम होता है, खरीफ क्रॉप लगाने का टाइम होता है, तो सारे कृषि के लोग एक साथ संगठन बनाकर काम करते हैं। तो ये रहा संगठन। अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ देखो आप, इसको कहते हैं हम कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ कुछ औरतों ने एक साथ मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, जिससे वो कुछ हाथ के सामान बना रही है, जैसे कोई पापड़ अचार बना सकते हैं, कोई कोई हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं। इनको वो मार्केट तक ले जाएंगे, वहाँ बेचेंगे और उससे ये मुनाफा कमाएंगे। तो ये हैं सारे एग्जाम्पल्स जो है विनिर्माण उद्योग के। अब सेकेंड टाइप ऑफ उद्योग जो है उसको हम कहते हैं खुदरा संगठन। खुदरा मतलब रिटेल, रिटेल यानी कि वो बेचते हैं, बेच जो बनाता है और जो खरीदता है उनके बीच ये आते हैं। इस तस्वीर को देखो, इन्होंने शायद अपने खेत से सामान लाए हैं या किसी के खेत से खरीद के लाए हैं और ये मार्केट में सब्जियां बेच रहे हैं। ये तो छोटे स्केल पे हुआ, और बहुत बड़े स्केल पे देखना है किसी मॉल में चले जाओ, वहाँ आप देखोगे कितने कितने प्रोड्यूसर्स के सामान लाकर एक एक छत के नीचे बेचा जाता है। तो ये रहा आपका खुदरा संगठन। तीसरा टाइप का संगठन जो है उसको हम कहते हैं सेवा संगठन। जैसे कि आज की तारीख में सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा? स्वास्थ्य, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। फिर आते हैं जैसे बिजली, पानी, जो घर बनाते हैं, जो आप परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, ये सारे सेवा में आती हैं। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी होती हैं जिनको हम NGO कहते हैं। ये अलग अलग तरीके सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ लोग बुजुर्गों के साथ काम करते हैं, कुछ लोग पर्यावरण को ठीक करते हैं, कुछ लोग इनकम जनरेशन के लिए काम करते हैं, तो कुछ लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं। बहुत तरीके के NGO होते हैं। तो रहे आपके 3 टाइप के संस्था, 1 विनिर्माण संगठन, 2 खुदरा संगठन, और 3 सेवा संगठन। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक संगठन को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या ज़रूरत है। संगठन कोई भी प्रकार का हो पर उसको सक्सेसफुल बनना है, सफल बनना है, तो उसको 2 चीज़ें याद रखनी है। 1, दक्षता। दक्षता यानी कि कम से कम लागत से अच्छी तरीके से एक क्वालिटी प्रोडक्ट का उत्पादन करना या क्वालिटी सेवा का प्रदान करना, वही है दक्षता। 2 इज़ प्रभावशीलता। प्रभावशीलता है कि एक संगठन बहुत सही तरीके से अपनी लक्ष्य पे कैसे पहुंचता है, वही है प्रभावशीलता। सो दक्षता इज एफिशिएंसी और प्रभावशीलता इज इफेक्टिवनेस। दक्षता प्लस प्रभावशीलता जब होता है तब आता है सक्सेस यानी कि सफलता। अब हम देखेंगे प्रबंधन। प्रबंधन है वो प्रक्रिया जिससे एक संगठन अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। प्रबंधन के 7 हिस्से हैं। 1, लक्ष्य यानी कि गोल, हमें जाना कहाँ तक है। तो इसके लक्ष्य के ना 3 होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, जिसको हम कहते हैं लघु अवधि लक्ष्य। एक होता है मीडियम टर्म गोल, मध्यम अवधि लक्ष्य, और एक होता है दीर्घावधि लक्ष्य यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगले आता है प्लानिंग। एक योजना भी बनाएंगे जिससे हम एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। तो इस फंक्शन को बोलते हैं योजना या प्लानिंग। 3 है ऑर्गेनाइजिंग या आयोजन। अब ये 2 टेबल आप देख लो, किसी बच्चे को अगर पढ़ना है तो आप खुद ही बोलो कौन से टेबल पे पढ़ना उसके लिए बेटर रहेगा, तो आयोजन है कि एक सुव्यवस्थित तरीका बनाना जिससे हमारी योजना को हम अच्छी तरीके से लागू कर सके, इसका टर्म है ऑर्गेनाइजिंग।
नंबर 4 पे आते हैं ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग, मानव संसाधन। इतने सारे काम होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको करने के लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत है। तो ये जो फंक्शन है लोगों को लेना, इसको हम कहते हैं स्टाफिंग। अब लोग आ गए, अब किसको कौन कौन क्या काम करेगा ये बताने का जो फंक्शन है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन, यानी कि निर्देशन। डायरेक्शन भी हो गया, अब लोग काम कर रहे हैं, पर हमें सुपरविजन भी करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि लोग ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, इसको हम कहेंगे नियंत्रण। एंड फाइनली, अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग 10 अलग अलग किस्म के काम कर रहे हैं, ये सारे काम एक साथ आकर लक्ष्य तक जा रहे हैं या नहीं, इसको देखने को हम कहते हैं समन्वय या कोऑर्डिनेशन। चलो एक और बार हम इन 7 पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लक्ष्य, उसके बाद योजना, उसके बाद आयोजन, उसके बाद मानव संसाधन, उसके बाद निर्देशन, फिर नियंत्रण एंड फाइनली समन्वय। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या संगठन में कुछ स्तर भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला स्तर है उसमें बैठते हैं अध्यक्ष और निदेशक। इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए लक्ष्य रखना और योजनाएं बनाना। निदेशक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या चीफ ऑपरेशन ऑफिसर मुख्य संचालन अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी, और होते हैं CHRO, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, और चीफ लीगल ऑफिसर यानी कि मुख्य कानून अधिकारी। तो ये लोग होते हैं उच्च, सबसे ऊपर वाला स्तर। अगले स्तर पे हम जब आते हैं, मध्यम स्तर पे, उसमें हम देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट का प्रमुख और उनके मैनेजर्स एक साथ बैठते हैं, और इनका काम होता है कि ऊपर वाले स्तर से हमें जो लक्ष्य और जो योजनाएं मिलती हैं उसको किस तरीके से हम अच्छी तरीके से प्लान बनाकर उसको हम पहले लाइन के प्रबंधक के पास ले जाएं, यही होता है इनका काम। और फिर हम अगले लेवल पे आते हैं जो जूनियर मैनेजमेंट कहते हैं। जूनियर मैनेजमेंट में बैठते हैं पहले सिरे के प्रबंधक, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इनका काम होता है ऊपर से जो प्लान्स और निर्देशन्स मिले हैं इन सबको ले जाकर श्रमिकों भाइयों के साथ काम करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उत्पादन करना। तो ये 3 लेवल एक और बार देख लो। टॉप लेवल है अध्यक्ष और निदेशक, मिड लेवल है डिपार्टमेंट के प्रमुख और उनके प्रबंधक, और जो जूनियर लेवल है ये है पहले लाइन के प्रबंधक। ठीक है बच्चों, अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या प्रबंधन एक पेशा है? जैसे कि आप जानते हो वकालत एक पेशा है, जैसे आप जानते हो डॉक्टरी एक पेशा है, इंजीनियरिंग एक पेशा है। किसी भी पेशे के लिए उसके कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि उसका अपना एक ज्ञान होना चाहिए, एक नंबर। 2 नंबर, उस पेशे में आने के लिए आपको कुछ इम्तहान देने पड़ेंगे। और 3 नंबर पे है कि उस पेशे का कोई संस्था होना चाहिए, कोई संगठन होना चाहिए जो उस पेशे वाले सब उस संगठन के हिस्सा बने। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, ये भी एक पेशा की तरह ही हम मान सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1। ठीक है बच्चों, इसका सारांश यहाँ पे है, इसको आप 1-2-3 बार देख लेना और एग्जाम में सुंदर से सुंदर अपने शब्दों में आंसर लिखना। अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हो तो ये बटन दबा देना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारे वीडियो ला रहे हैं। देखते रहो।